नमस्कार दोस्तों, आप में से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है जब हम म शब्द से प नोट बजाते हैं। तो कई लोगों की मेरे पास शिकायत आई थी और जो मेरा बैच चलता है उसमें भी कई लोगों को डाउट्स आते हैं कि म से प बजाने में क्या प्रॉब्लम आती है और क्यों आती है। तो सबसे पहले तो इसका रीजन समझिए, इसका कारण समझिए और कारण समझने के बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। तो ये फ्लूट है जी बेस स्केल की, मेरी ही कंपनी है शिव्स म्यूजिक फ्लूट। तो जब आप म शुद्ध बजाते हैं तब आप हाफ नोट यूज करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट होल है उसको आप 20-30% खोलते हैं। तो अब जैसे देखिए, ये हमारा सा है, सा रे ग म शुद्ध, यहां तक तो आप बजा लेते हैं। कई सारे लोग जो बिगिनर्स होते हैं वो बजा लेते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो प में आती है ना। म के बाद जब आप प बजाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हुआ सा रे ग, अब म शुद्ध, ये हुआ म शुद्ध। तो जब आप म शुद्ध से प बजाएं तो एक तो देखिए ये वाली सिक्स फिंगर आप इसको रखे रहिए, तो इससे क्या होगा कि आपको सपोर्ट बना रहेगा, है ना। तो जब आप सारे होल्स क्लोज करेंगे प बजाने के लिए तो आपको इतनी डिफिकल्टी, इतनी परेशानी नहीं होगी, है ना। तो जैसे ये म शुद्ध, ये आपने उंगली रखी थी, इससे कोई अफेक्ट नहीं आएगा साउंड पर, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये म शुद्ध, और प बजाने के लिए आपको इसको धीरे से वापस बंद करना है, ठीक है। आपने बंद किया और फिर ये चारों होल्स फिर से क्लोज किए, ये तो अपना बंद था ही पहले से। तो फिर से देखिए, ये ट्रांजिशन जो है म टू प, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में भी सरगम में काम आता है। तो ये हमारा था म शुद्ध, ये अभी हम म शुद्ध बजा रहे हैं। अब प, तो जब आप प पर क्लोज कर रहे हैं तो सारे होल्स अच्छे से क्लोज होने चाहिए ना, और थोड़े आप टाइटली भी, मतलब उस पर थोड़ा फोर्स लगा सकते हैं ताकि जो होल्स हैं वो अच्छे से बंद हो। शुरुआत में आप फोर्स लगाइए, लेकिन जैसे जैसे आप बजाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कितना फोर्स लगाना है। फोर्स हम कम से कम लगाना होता है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एंश्योर कीजिए कि सभी होल्स प्रॉपरली क्लोज्ड हैं, तभी वो प वाला साउंड निकल के आएगा। तो इसके लिए जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो करनी है ग म प, ग म प म ग, ग म प म ग। ये एक्सरसाइज मैंने अपने बैच वालों के लिए बताई थी, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं नेक्स्ट वाला, तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए सारी डिटेल्स लेने के लिए। तो ये वाली एक्सरसाइज ग म प म ग, तो आपको म सेंटर में लेना है ताकि आपका ग के बाद म भी अच्छा हो और म के बाद प स्वर भी इस पर पकड़ो। तो ये एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपको फायदा होगा म टू प ट्रांजिशन में, और दिक्कतें थोड़ी कम होगी। और अगर आपको फायदा होता है, अगर आप बजा पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप बजा पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है।